बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए हम अगले कलमकार की तरफ बढ़ते हैं। आज अदारे नसरी अदब को हमेशा से ही एजाज़ हासिल होते रहे और आज एक और इजाफा हुआ चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर जो है वो पहली मरतबा अदारे नसरी अदब के प्लेटफॉर्म से अपनी कहानी पेश कर रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे मुल्तमिस हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी कहानी, अपनी तख्लीक पेश करें। सदर साहब की इजाज़त से पहली मरतबा अदारे नसरी अदब ने अपनी तंज़ व मज़ा का इंशाइया पेश करने की जसारत कर रहा है। उन्होंने फ़कीर एकता यूनियन। मैं अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, लोग अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे, मैं भी तमाशाई की तरह भीड़ देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जुलूस आया और आवाज़ें आना शुरू हुई, हमारी मांगें पूरी करो, हम सब एक हैं, फ़कीर एकता यूनियन जिंदाबाद, फ़कीरा सरदार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे सैकड़ों फ़कीर फलक शगाफ नारे लगाते हुए पुलिस और फौजी जवानों की ज़ेर निगरानी शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। इस भीड़भाड़ में औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जिनके हाथों में कटोरा और टूटी फूटी रिकाबियाँ थी, नकाबपोश औरतें अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए हुए फटे पुराने कपड़े पहने बूढ़े बैसाखी के सहारे इस जुलूस में शामिल थे। ये तमाम मंजर देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये हड़ताल फ़कीरों की है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्या मसाइल हैं जो इन्हें हड़ताल करने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमत का कौन सा कानून इन पर नाफिज हो गया? क्या ज़्यादती हुई है इन फ़कीरों के साथ? क्या आफत आ गई है कि हड़ताल करने पर मजबूर हो गए? मैं अपनी दरसगाह की तरफ ना जाते हुए उनके पीछे जाने लगा, क्योंकि मैं एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ, मैं भी इस हड़ताल का हिस्सा बन गया। कुछ दूर जाने के बाद तमाम शोरबा जुलूस एक सरकारी दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए, जिसे हम प्रांत ऑफिस कहते हैं। जैसे ही जुलूस प्रांत ऑफिस के पास पहुंचा, जैसे इनके अंदर एक नई ताकत आ गई। जुलूस में शामिल लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं छोड़ेंगे, इन्हें देखकर तमाम पुलिस के फौजी नौजवान अपने हाथों में बंदूकें तान ली और चारों तरफ से पुलिस उनका अहाता कर ली थी। फ़कीरों का एक लीडर लाउड स्पीकर और स्टेज की इजाज़त ना मिलने के बावजूद अपनी तेज़ आवाज़ों के साथ और तालियों की गूंज में अपनी तकरीर की शुरुआत की, ये कायनात तो है पिटारा फ़कीर का, होता नहीं गुरूब सितारा फ़कीर का। अहमद निसार साहब का ये शेर है। मेरे हम पेशा भाई बहनों, बुज़ुर्गों और मासूम बच्चों, मुझे आप लोगों के साथ फ़कीर एकता यूनियन के परचम तले काफ़ी तादाद में जमा होकर अपनी बेदारी का सबूत दिया और अपनी तकालीफ का भरपूर मजाहरा किया। हम भी हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा हैं, लेकिन हमें वो मकाम हासिल नहीं है जिसके हम हकदार हैं, इसीलिए आज हमको हुकूमत के ख़िलाफ़ हड़ताल का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। ये हमारा विरासती पेशा है, ये पेशा हमारे आबाव अजदाद का है, हम मरते दम तक इसे नहीं छोड़ सकते। हमने आज तक हुकूमत से कोई सहूलत नहीं मांगी, कोई घर, कोई कॉलोनी नहीं मांगी, ना ही हमारे बच्चों को मुफ्त तालीम की स्कीम मिली, हमारे इलाज के लिए कोई बड़े अस्पताल का मुतालबा नहीं किया गया। हम इस आसमान को छूने वाली महंगाई से तंग आ चुके हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक और रात देर गए तक गली गली, घर घर और हर एक के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हर मौसम की सौगतें झेलकर अपने और अपने अहल खाना के लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं। हर घर के दरवाजे पर सदाएं लगाते हैं, उनके अहल ख़ानदान को दुआएं से नवाजते हैं, उनकी सेहत की दुआएं मांगते हैं, उनकी उम्र दराजी और मरहूमीन के लिए दुआएं मगफरत करते हैं। इसके बदले हमें क्या मिलता है? एक रुपये का सिक्का। कई घरों से हमें मायूसी, ताना और तंजिया जुमले मिलते हैं। हमारी लंबी चौड़ी दुआओं का नतीजा सिर्फ एक रुपये का सिक्का, क्या इसमें हमारी ख्वाहिशात पूरी होगी? मायूसी, बेचारी
बेबसी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हम फकीरों पर रहम करें, हमारे मासूम बच्चों पर रहम करें। महंगाई के इस पुर आशोब दौर में 1 और 2 रुपये का सिक्का फौरन बन करके 5 और 10 रुपये के सिक्के जारी करें, ताकि मुखय्यर हजरात को खैरात देने में शर्मिंदगी ना हो और हमारी दुआओं का और मेहनत का अच्छा सिला हमें मिल सके और हम भी लोगों की तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये सुनते ही तमाम फ़कीरों के पुरजोश तालियों और नारों से फिजा गूंज उठी। हमें ये देखने और सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इनके मुतालबात जायज़ हैं। क्या वाकई 1 और 2 रुपये के सिक्के बंद हो जाने चाहिए? क्या इससे इनके मसाइल हल हो जाएंगे? आज भी हम अपनी नज़रों से देखते हैं कि मस्जिदों खानकाहों के सामने नकाबपोश खातीन अपने मासूम बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगते हैं, जो हमारी कौम के लिए शर्मिंदगी है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कभी हमने इसके भीख मांगने की वजह दरियाफ्त की? क्या हमने कभी इनके मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा? वो औरत क्या किसी मजबूरी का शिकार है या फिर उसे भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है? आज हम इस्लाह माशरा के लिए हर मैदान में काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये लम्हा फिक्र भी है और दावत इस्लाह भी। आज ज़रूरत है हमारी कौम में बेहतरीन आमाल की, इज्तिमाई ज़कात की। इंशाअल्लाह वो दूर दूर नहीं जब नकाब पोश औरतें मस्जिद और खानकाहों के दरवाज़ों पर भीख मांगने की बजाय किसी दीनी दरसगाह या किसी स्कूल में अपने बच्चों को ले जाते हुए नज़र आएंगे। खुदा महफूज रखे हर बशर को तंग दस्ती से, ये अपने साथ लेकर सैकड़ों इल्ज़ाम आती है। खुदा हाफिज़। अल्लाह अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर, इस पर जो साहबान में तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त। मुस्तफ़ा बरकती सर, पहली मरतबा चूँकि यहाँ पर आप आए हैं इसलिए आपका इस्तकबाल है और आपकी तहरीर सुनकर अच्छा ज़रूर लगा कि आप पहली मरतबा एक मुदर्रिस होने के बावजूद भी आपने लिखने की जानिब तवज्जो दी और यहाँ पर हमारे सामने अपनी तहरीर पेश की। लेकिन आपको तंज मज़ा बोलकर पढ़ने से पहले आपको चाहिए था कि कुछ तंज मज़ा पढ़ भी लेते, पितरस वगैरह के मज़ामीन, तो आप उसको सिर्फ एक मज़मून बोलकर यहाँ पर पढ़ सकते थे, क्योंकि मैं उसमें ढूंढ रहा था तंज मज़ा कहाँ पर है, कहीं पर नज़र नहीं आया सर, माफ़ कीजिएगा। तहरीर अच्छी है, कहीं कहीं ज़बान की एक दो गलतियाँ हैं, वो हो सकता है पहली मज़ा पढ़ने का खौफ हो तो आपकी ज़बान फिसल गई हो, गलत आप पढ़ गए, लिखा सही हो। तो आप अगर आप तंज मज़ा लिख रहे हैं तो आसिफ सुबहानी साहब हमारे सामने हैं, इनकी किताब है वो पढ़ लीजिए, पितरस वगैरह का मज़ामीन है, और अफजाल सर भी लिखते हैं उनसे भी मुलाकात कर लीजिए, और मुश्ताक वो तो बहुत बड़ा नाम है, वहाँ भी ना जाए, वहाँ ना जाए वरना हाँ मतलब देखिए सर, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको गुमराह ना करूँ, बस इसलिए मैं जो है सच वो बोल दे रहा हूँ। इसमें तंज मज़ा कहीं पर भी नहीं था, बस सिर्फ ये सोच कर हंसी आ रही थी कि यार ये तंज मज़ा है। आज लॉकडाउन के बाद पहली दूसरी तीसरी जो बच्चों की कहानियाँ हैं काफ़ी अच्छी रही और लॉकडाउन वसूल हो गया कहना चाहिए। हाँ, काफ़ी अच्छी कहानियाँ थी। तीनों को मुबारकबाद, इकबाल बरकी सर को, मजीद मास्टर को और इमरान सर को। अब रहा आपने मुस्तफा सर का, तो मैं अपने ताहिर अंजुम की बात से सहमत हूँ, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। सही है, तंज मज़ा के नाम पे आपने जो पेश किया है एक अच्छी कोशिश है, पहली मरतबा आप, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इस फील्ड में पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका ज़बरदस्त इस्तकबाल है। बहरहाल मुतालिया करें, बहरहाल आपकी तकलीफ में जो 2-3 जगह ज़रा मेरे को मज़ा आ गया, एक वो 1 और 2 रुपये का जो बंद करने वाला जो मुतालबा है वो ज़रा अच्छी चीज़ है, ज़रा अच्छा लगा थोड़ा, शुक्रिया। हाँ, तो बहरहाल आप मुतालिया भी करें। और दूसरी बात ये कि आपने एक बात और रखी, भाई हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें, वो फ़कीर के जो बच्चे लोग गोद में लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि अपने प्राइमरी स्कूल में एक मरतबा सिराज जनाब के पास ना शिकायत है बच्चों की, मैं उस वक्त स्कूल में मेरा बड़ा आना जाना था, तो सब बच्चे लोग बोलने लगे, बोले वो जनाब, बोले वो फला फला है ना, बोले वो बशीर,
वो वजीर नाम का लड़का, बोले उसको मना करवाया स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के, बोले भीख मांगता किदवाए रोड तो जनाब उसको डांटे, क्या भाई तू ऐसे क्यों करता है? बोले जनाब वो ना घर जाके कौन कपड़ा वपड़ा बदलेंगे, मेरी अम्मा बैठी रहती तो मैं वहाँ से आता तो डायरेक्ट बोलते यहीं बैठ जा, बोले इकट्ठा खाने पर चलेंगे। तो कहने का मतलब उनके बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और उनको कितना भी पढ़ाएंगे ना, बहरहाल वो उनका जो आपने कहा हाँ आबाई पेशा है, विरासत में मिला है, और लोग लखपति करोड़पति भी हो जाएंगे तो बहरहाल वो लोग उसके अंदर रहेंगे, है ना, वो फील्ड है और वो पेशा उनका इख्तियार। बहरहाल आप कोशिश कीजिए, उसको अच्छा लगा, आइए, मत बहुत ज़्यादा माहिर आदमी नहीं हो भैया, बस जो भी है थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। बहरहाल रहनुमाई के नाम पे कुछ मैं और मुतालिया बहरहाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई, खुश हुआ। मुस्तफ़ा सर यहाँ पर अपनी एक तहरीर लेकर आए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बाकी बारीक बारीक बातें आप लोगों ने पेश कर दी, मैं मोटी मोटी बातें पेश करूँगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़कीर ख़ानदान के दरमियान में गुजरा भी है। मैं जब सर्विस पे गया था जलगांव जिला परिषद, तो वो जिस घर में मैं रहता था किराए से, वो फ़कीर का ही घर था, तो वो ख़ानदान सामने ही रहता था। कमाल तो ये है कि उनके यहाँ भीख मांगता कोई नहीं था, खेती थी उनकी, खेती काम करते थे, अपना अपना कमाते थे, खाते थे, और अपने आप को फ़कीर कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते थे। वो लोग आज भी वो लोग भीख नहीं मांगते हैं, पूरा ख़ानदान भीख नहीं मांगता है, और उनके बच्चे पढ़ते थे हमारे पास, मेरे पास करीब करीब 15-20 बच्चे उस ख़ानदान के पढ़े हुए, तो पढ़ते थे, थोड़ी दूर जाने के बाद अटक जाते थे कहीं भी, सातवीं में छठी में फेल, बस रुक जाता था उनका तालीमी सिलसिला। एक लड़का उसमें से आगे बढ़ा और वो वहाँ पर बम्बई में एक जगह सर्विस पे है, तो वो जो शाह का वो मिलता है ना, बीसी रहता है, बीसी, हाँ हाँ, तो बीसी कैटेगरी में नौकरी मिली, हाँ, तो वो एक कामयाब हुआ है, बाकी कोई कामयाब हुआ नहीं, लड़कियाँ भी लड़के भी। मैं एक चीज़ पे हैरत करने लगा कि फ़कीर का विषय अपने नसरी अदब में शायद किसी ने कभी नहीं छेड़ा, पहली मरतबा मुस्तफ़ा सर ने ये हिम्मत की मुस्तफ़ा सर ने जो फ़कीरों का मसले को यहाँ पर उठाने की कोशिश की, तो ऐसा तो जनाब दो ही लोगों में होता है, या तो मांगने वाला उससे हमदर्दी कर सकता है, या तो देने वाला, जो फकीरों को कुछ देता आया है वो उससे हमदर्दी कर सकता है। बहरहाल एक नया विषय, नई चीज़, नई तहरीर, नई किस्म की लेकर आए, वो तंत्र मजा के पैमाने पर उतरती हो नहीं उतरती हो, नहीं तो बहरहाल है उसकी मैं मुबारकबाद दूंगा। मेरे अजीज़ दोस्त मुस्तफ़ा बरकती सर की जो तहरीर यहाँ पर पेश की गई, उस पर फ़नी एतबार से सारे तबसरे हो गए। मैं एक दूसरे पहलू से इस तहरीर को देख रहा था, यहाँ पर सर ने बहुत ज़ोर व शोर से एक लफ्ज़ को जो तो पेश किया है वो है पेशा, मतलब भीख मांगने को एक पेशे के तौर पर जो सर ने बताया, ये एक हकीकत निगारी हो गई वहाँ पर, ज़माने की एक कड़ी हकीकत उन्होंने बवान दोहल जो तो पेश कर दिया था, ये सबसे बेहतरीन चीज़ रही। उसके बाद में कुछ जगह पर ज़बान व बयान में थोड़ा चूके भी हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा, पर्सनली बता दूंगा मैं। बहरकैफ जो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर लगा कि एक एकता का जो एक पैगाम उन्होंने दिया है वो फ़कीरों के ज़रिए दिया है, कि अपने बात को मनवाने के लिए जो तो वो इकट्ठा होकर एहतजाज कर रहे थे। सर हड़ताल लफ्ज़ सही नहीं है वहाँ पर, एहतजाज, तो वो एहतजाज कर रहे थे और अपने मुतालबे को मनवाने के लिए वो हुकूमत तक पहुँच गए कि सिक्के बंद करो, क्योंकि सिक्के जब छोटे सिक्के बंद होंगे तो उनको बड़े सिक्के मिलेंगे। तो ये यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तंज नज़र आया, वजह ये है कि सर का भी मानना शायद यही है, और हम सब भी ये जानते हैं कि आज का भिखारी जो है ना कोई कमज़ोर नहीं है, आजकल के भिखारियों के पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, एक सर्विस पर्सन के पास जितनी प्रॉपर्टी नहीं होती उतनी भिखारियों के पास है, तो ये छुपा हुआ तंज उसमें मौजूद था जो कहीं कहीं मुझे नज़र आया, कि वो भिखारी एहतजाज कर रहे हैं कि हम इतना करते और हमको इतना सा मिलता है। हकीकत बात यह कि आज की तारीख में एक फ़कीर कम से कम 1000 रुपये रोज़ का कमाता है, जो एक
प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर की इतनी तनख्वाह रोजानदारी पर नहीं बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने समाज का वो मौजू उठाया है और उसके साथ में कुछ एक अच्छा दर्श जोड़ने की कोशिश की है कि ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम हो, यानी कि हकदारों तक हक पहुँचे, भिखारियों तक ना पहुँचे। ये एक मैसेज भी सर ने देने की कोशिश की है। चाहे वो तहरीर किसी भी पसे मंज़र में फ़नी एतबार से फिट बैठती हो, लेकिन यहाँ पर कुछ जो नुकात मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैंने उनकी वजाहत करना मुनासिब समझा, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि मैं दूसरे पहलू से इस तहरीर को देख रहा हूँ और इसकी खामियों को पसे पुष्ट रख कर सिर्फ खूबियों पर नज़र आसानी करते हुए मैं आपको बेशुमार अढेर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नसरी अदब में या अदब में आपके इस तख्लीक के ज़रिए आगाज़ करने पर आपको खूब खूब नेक ख्वाहिश। तहरीर पर मौजूआती तौर पर ज़्यादा तबसरे हुए, बहसियत सिंफ उस पर बात कम हुई। आपने इंशाइया कहकर पढ़ा था, इंशाइया हो सकता था, और शुरू में आपने जब लिखना शुरू किया तो छोटे छोटे जुमले, आप इंशाइया की ख़ास खूबी यही है कि छोटे छोटे जुमले लिखे जाएं और बात से बात पैदा की जाए। इंशाइये में तंज हो ज़रूरी नहीं है, इंशाइये में मिजा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अंग्रेज़ी में किसी भी ऐसे को इंशाइया हम उर्दू में कह सकते हैं और वही तर्जुमा किया भी गया। अगर मैं गलत ना हूँ तो मसूद सर यहाँ बैठे हैं, अंग्रेज़ी पर अथॉरिटी। दूसरी बात, आपने जो उन्वान या मौजू उठाया वो आखिर में यानी आधे के बाद से वो तकरीर का रूप ले लिया, इंशाइया ना रहते हुए वो तकरीर हो गई, और फिर उसके बाद आप उस पर एक नासे बनकर आखिर में और वही अंदाज में आपने ख़त्म भी कर दिया, अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़। यानी ये पूरा तकरीरी, जैसे स्कूल के बच्चे तकरीर करते हैं, तो ये आप इस तरीके से इंशाइया, आप एक मौजू को आप ले रहे हैं उसके इर्द गिर्द देखते जाइए क्या है मौजू और उससे कितनी चीज़ें मुंसलिक होती हैं। आपका इतना अच्छा वहाँ पर एक मौका था कि एक रुपये में हम दुआ देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुआएँ एक रुपये में देते हैं, उसके बाद भी हमारी यानी वो इतना अछूती चीज़ थी लेकिन मिस हो गई। थोड़ी सी वहाँ तक आते आते आप दूसरी तरफ चले गए। उसकी वजह ये कि आपका भी जो लिखने का अंदाज़ है, ये आप पहली मर्तबा आप आए हैं, ये नसरी अदब को एक एजाज़ है कि यहाँ शहर में उसने इन डेढ़ दहाइयों में नए लिखने वाले दिए हैं, एक मुस्तफ़ा सराज, आपका इस्तकबाल, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पहली मर्तबा आए हैं इसलिए मैं कुछ बुनियादी और उसकी तकनीकी उस पर बहस करूँ ताकि आप कुछ जब दोबारा लिखने बैठें तो उसको देख सकें। इंशाइया ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से नसीहत आमेज़ अंदाज पर ख़त्म हो, वो अपनी बात अपने से, और जहाँ अगर कहीं मौका मिलता है हल्का फुल्का तंज का तो वो तंज भी कर जाता है, और अगर कहीं हल्का फुल्का कोई मिजाज पैदा करने का मौका होता है तो उसको भी नहीं छोड़ता। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक आता है तो उसको इतनी देर तक के वो लेता है कि बस उसका असल मौजू जो है उससे मुतासिर ना हो। आपका वो जो वहाँ पर आपने आगाज़ किया था कि फ़कीरों का, वो इतनी दूर तक फ़कीर फ़कीर, वो सारे के सारे भीख मंगे थे। फ़कीर और भीख मंगे में फ़र्क है ना, तो ये थोड़ा सा आप उसकी थोड़ी वही शुरू में वजाहत कर देते तो वो भीख मंगों की जो टोली और उसका वो वाज हो जाती। जुलूस आया, वहाँ पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे, नारा नहीं लगाएंगे, फ़कीर हैं भीख मंगे हैं तो सदा लगाएंगे, सदाएं लगाता, तो वो इससे आप इंशाइया को यानी जो एक एक लफ्ज़ से जो इंशाइये की जो उठती जाती है वो इस तरीके से उसका टेम्पो जो है वो खुद बखुद उठता चला जाता है और उसमें खुद वो भी पैदा होती जाती। बस ये कुछ बातें मैंने महसूस कर रहा था, उस पर जो तबसरे हुए वो मौजूआती तबसरे थे, मैं तकनीकी तौर पर उस पर बात कर रहा था। बरकती सर को मुबारकबाद, और मैं ये चाहूँगा कि उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कहानी को शाये ना करें। नहीं, वजह उसके पीछे ये यानी फकीरों का वाकई में जुलूस देखने में आ जाएगा और एक दो के सिक्के वाकई में बंद हो जाएंगे। मैं अपना नुकसान, ये कहीं शायद नहीं होगा।
बहरहाल आइए, जैसा कि ऐलान था कि सदर नशिस्त भी अपनी एक तकलीफ यहाँ पर पेश करने वाले हैं। खुद ब सदारत के लिए तो मैं उन्हें मधु करूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी तकलीफ के साथ यहाँ पर तशरीफ लाएँ। मोहतरम उस्मान गनीस का साथ रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फ़न्नी माशी तजारती माशरती इंतज़ामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।